नमस्कार दोस्तों दोस्तों फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों फिल्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लीजिए। पहले सबसे पहले तो फिल्टर क्या होती है वो जानेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर में हम लोग लो पास फिल्टर, फिर उसके बाद हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर क्या हो गया, फिर बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर में चलेंगे। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग डेसीबल एंड नेपर के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा सेकंड लेक्चर हो जाएगा। उसमें टी नेटवर्क, पाई नेटवर्क के बारे में जानेंगे, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। तो फिर हमारे थर्ड लेक्चर में दोस्तों हमारे डिजाइनिंग ऑफ फिल्टर की लो पास फिल्टर क्या होती है वो थर्ड लेक्चर में जानेंगे। तो आज का लेक्चर जो है हमारा फिल्टर क्या है तो वो चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इलेक्ट्रिकल की वीडियो मिलते रहेगी। दोस्तों यह ऐसा चैनल है, आपको इसकी पीडीएफ जो है हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे नोट्स ले सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों फिल्टर क्या होती है। फिल्टर जो हमारा जो होता है वह रिएक्टिव एलिमेंट होता है, रिएक्टिव एलिमेंट नेटवर्क होता है जो वो परसिस्ट करता है, कोई भी फ्रिक्वेंसी को परसिस्ट करता है, फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड स्टेप्स अनबाउंडेड सिग्नल। ठीक है, अनबाउंडेड सिग्नल और फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जो परसिस्ट करता है उसी को हम लोग फिल्टर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर। क्लासिफिकेशन में दोस्तों हमारा आ गई लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर एंड बैंड पास एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लो पास फिल्टर क्या होता है। आफ्टर कट ऑफ द सिग्नल इज गेटिंग एटेन्यूएटेड। देखिए यह हमारा अल्फा को हम लोग एटेन्यूएटेड से डिनोट करते हैं, यह हमारा फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, यह इसको हम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे हमारा पास बैंड है, लो पास फिल्टर में यहीं तक ये पास करेगा, इधर स्टॉप हो जाएगा, इस साइड स्टॉप हो जाएगा। बस इसका हम लोग सिंपल ग्राफ देख रहे हैं। हम लोग एनालॉग में भी फिल्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पूरा ओप एम्प लगा के किस तरह इसका जाता है वो पूरा देखेंगे, किस तरह उसको कैप इंडक्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं और किस ग्राउंड करते हैं, तो वो हमारा एनालॉग पार्ट हो गई। तो इसमें हम लोग नेटवर्क में केवल सिंपल हम मुझे ग्राफ देखेंगे किस तरह से लो पास फिल्टर की होती है। तो यह हमारा हो गया ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है जिसमें ये पास बैंड हो गया और ये हमारा स्टॉप बैंड हो गया, ये हमारा स्टॉप बैंड है, फिर उसके बाद ये हमारा पास बैंड, इसको पीपी से डिनोट किए हैं। अब आते हैं हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर क्या होता है, देखिए हाई पास फिल्टर किसको कहते हैं। हाई पास फिल्टर आफ्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द सिग्नल इज प्रेजेंट बट बिफोर दैट द सिग्नल इज एटेन्यूएटेड। देखिए शुरुआत में ही स्टॉप रहेगा लेकिन कुछ देर के बाद ये जो है पास बैंड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पास बैंड होने लगेगा। देखिए आफ्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी द सिग्नल इज प्रेजेंट बट बिफोर द सिग्नल इज एटेन्यूएटेड, पहले यह सिग्नल एटेन्यूएट होगा फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो पहले तो यह स्टॉप बैंड है, फिर उसके बाद यह पास बैंड हो गई, तो इसी को हम लोग हाई पास फिल्टर बोलते हैं। अब आते हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर क्या होता है, देखिए बैंड पास फिल्टर में ये बैंड पास फिल्टर का ग्राफ है वो देखिए। तो यह शुरुआत में और लास्ट में देखिए यह स्टॉप रहेगा लेकिन बीच के मीडियम में वह पास बैंड रहेगा, यानी इतना ही तक में मोमेंट में वह पास करेगा, जिसको हम लोग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो यह हमारा बैंड पास फिल्टर क्लियर है। अब आते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर। दोस्तों हम लोग बैंड स्टॉप फिल्टर को हम लोग बैंड एलिमिनेशन फिल्टर भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए इसका ग्राफ इस तरह डाउनवर्ड भी बनता है, यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी टच कर रहा है एक्स एक्सिस में, जिसको हम लोग कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। यह हमारा फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, इसको हम लोग बैंड विड्थ इतना ही बोलेंगे। फिर यहाँ पे इधर स्टॉप, इधर पास करेगा, बीच में हमारा स्टॉप करेगा, कहीं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, इधर पास करेगा अब बीच में स्टॉप करेगा, ये बैंड स्टॉप फिल्टर है। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेसिमल एंड नेपर के बारे में। तो डेसिमल एंड नेपर के बारे में क्या पढ़ेंगे, देखिए वो नेपर किस तरह काम करती है, डेसिबल किस तरह काम करती है, फिर उसके बाद टी नेटवर्क एंड पाई नेटवर्क, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे, तो वो सेकेंड लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।